हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो उस पर 10 मिनट आपने फातिहा पढ़ी। थोड़ी देर के बाद एक मुरीद और आया, काला कंद या काला कंद क्या है सही है, हम तो नहीं जानते हैं ये किसकी लुगत है, छोटा कहा कि पला कंद लेके आए, कलकला वाला मैंने कह, तो और 15 मिनट फातिहा वो झल्लाएगा कहीं जब हम फिर से फातिहा कराएंगे। लेकिन मुरीद था बड़ा चाप्टर, ताई बताओ पीर साहब, तो दोस्तों ना आजम के नाम ये भी फातिहा, ये भी फातिहा, ये भी फातिहा, इस पे 2 मिनट, उस पे 10 मिनट, उस पे 15 मिनट। तो कहा कि सुनो, जैसी बारगाह में शीरनी पेश की जाती वैसे फातिहा पढ़ी जाती है। अरे तुम्हें गौसे आजम की बारगाह में लेके जा रहे हो फातिहा, अरे गौस पाक इसे पसंद करेंगे, मोटी मोटी गुड़ही जलेबी, तो जैसे फातिहा वैसे शीरनी, अगर शीरनी मिठास है तो बोल दो सुभान अल्लाह, और दो बोल दो सुभान अल्लाह। अब बताओ हम क्या कह रहे थे, नहीं उसको कौन बताए, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो पर कदमे पर कदमे मूसा पर कदमे ईसा, हुजूर की उम्मत में औलिया गुजरे, जैसे हजरत मखदूम सन्नानी है, हजरत ईसा के पर कदम थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे, आप भी जिंदा कर देते थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम कोढ़ी नाबीना को हाथ फेर दे तो वो सही हो जाता था, आपके यहाँ भी ऐसा होता है, ये उनके कदम पर थे। तवज्जो करिए, हुजूर गौसे आजम पर कदमे मुस्तफा और हुजूर गरीब नवाज पर कदमे मुस्तफा बशकले अताए रसूल, बशकले अताए रसूल, थोड़ा जुमला हार्ड हो रहा है, सुनो तवज्जो करिएगा, बहुत कीमती बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, जोर से बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। आपको जब जन्नत में जाना होगा, अल्लाह करे आप जाए, तो जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी, बहुत बड़ी बात है, जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी, और जब कब्र में जाओगे वफादार अगर होंगे तो हवाएं मिलेंगी, लेकिन मुस्तफा पे कुर्बान जाओ, जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी, जब तक मरोगे नहीं जन्नत में जाओगे कैसे, जब तक मरोगे नहीं कब्र में जाओगे नहीं, हिसाब किताब होगा और आपको एक मुद्दत तक रहना है, और जब मुद्दत खत्म होगी कयामत कायम होगी, तुम्हारे अमाल का मुहासबा होगा, हिसाब किताब होगा, मीजान कायम किया जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा, बीवी का हिसाब देना होगा, बच्चों का हिसाब देना होगा, जिंदगी कैसे गुजारी उसका हिसाब देना होगा। और सूफिया फरमाते हैं, तुमने दस्तरखान पर अगर रोटी सालन दाल सलाद सब कुछ खाया है तो उसका भी हिसाब देना होगा, कि रोटी से काम चल सकती थी तो तुमने चावल क्यों खाया, गोश्त से काम चल सकता था तो तुमने सब्जी क्यों इस्तेमाल किया, सब्जी से काम चल सकता था तो तुमने सलाद क्यों खाया है, कुरान की तफसीर उठाकर देख लो, कुरान गवाह है, और फला जल जरूरा इला तामिही अन्ना सबनल मा सबा सम्मा शकतनल अर्दा शक्का, जाकर देखो कुरान की तफसीरें, इतनी मंदिरों को पार करने के बाद एक मसला आ गया बीच में, मसला वो ये, आपको हिसाब देना होगा कि रोटी से काम चल सकता था तो चावल खाया क्यों, और माँ बहनों से पूछा जाएगा कि थोड़े चावल से काम चल सकता था तो बैल को खिलाया क्यों बासी। अब तो ये है कि एक टाइम बनाओ दूसरी टाइम खाओ, बीमारी बटोरो,
माँ बहने बुआ अम्मा फूफू लोग ज्यादा ऐसा करते हैं। बात उनको खराब लग रही होगी, आप तो बोलेंगी कि आपने कैसे आलिम को बुलाया, ऐसा ना हो उसकी सुबह आपकी खटिया खड़ी हो। अच्छा अच्छा क्या जवाब है? नहीं, ये असल में डायरेक्ट नहीं कहती है, इनके पास है वसीला, ये कहेंगी शोहर से। और शोहर आए मस्जिद में, इमाम साहब लाइट क्यों जल रही है? अब देखो कहाँ की बात कर, पंखा क्यों चल रहा है? अरे कौन मौलाना बुलाए जब मार घिसाई के बिल्कुल मसाला पीस दिया उसने सब। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।